नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर से। इंडिया गठबंधन को लेकर विपक्षी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, हम चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो। नीतीश कुमार का यह बयान, इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, ये राजीव शुक्ला की तरफ से कहा गया है। हम एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, संजय राउत ने भी आज ये बयान दिया है। सब लोगों को साथ मिलकर चर्चा की जाएगी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान। तो विपक्षी एकजुटता को लेकर जिस तरह से सवाल उठे थे, बैठक इंडिया अलायंस की होनी थी वो टाल दी गई थी, उसके बाद फ्लोर लीडर्स की अहम बैठक आज है, लेकिन सवाल उठे कि क्या इंडिया अलायंस का अस्तित्व एकता अभी भी बनी हुई है। उसके बाद आज सभी नेता एक साथ आते हैं और मिलकर इंडिया अलायंस की एकजुटता को लेकर एक के बाद एक कई बयान दे रहे हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार का बयान सामने आता है, उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकजुटता जो है वो बनी हुई है। संजय राउत फिर कहते हैं हम एक साथ हैं और एक साथ ही हम रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, सब लोगों के साथ मिलकर चर्चा की जाएगी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं, सब लड़े और बाकी हम किसी पर, इसलिए इन सब चीज़ों पर कोई रिएक्शन नहीं। आज का हम देखते रहते हैं, न्यूज छपते रहता है कि भाई ये नहीं जा रहा था तो चार पार्टी का दे दिया, क्यों नहीं धर्म का, बड़ा फालतू बात है। अरे हमारा दूसरे कारण से नहीं था ना, तो ये कौन खास बात है, आप तो जानते हैं हल्का सा बुखार होता, 100 भी नहीं था, उससे भी कम था, खांसी और सर्दी हो गया था। तो हम तो जान के 5 दिन घर पे पड़े रहे। इंडिया गठबंधन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम स्पष्ट है। कुछ लोग अभी की मीटिंग में अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उस स्तर की मीटिंग नहीं हो रही है और उनकी सबकी सहमति लेके मीटिंग होगी। अब इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, आप देख लेना। बीजेपी वाले कहते हैं बीजेपी वाले क्यों परेशान है इंडिया गठबंधन से, बार बार उस पर अटैक कर रहे हैं, इसके बता हमें महत्व बहुत दे रहे हैं, परेशान है कि हम सब एक साथ रहेंगे। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, जरूर कांग्रेस का अपना एक वजूद है इस इंडिया आघाड़ी में और हम सब कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। उसे सबक लेना चाहिए जो 3 राज्यों में हुआ है और सबको साथ लेकर इंडिया गठबंधन का विकास करना है। फ्लोर लीडर के मीटिंग में सब बातचीत करने के बाद वो भी इंडिया अलायंस की भी बात करेंगे। कुछ अलाइज है सर जो बोल रहे हैं कि उनको इनवाइट नहीं किया है, उस पर क्या कहेंगे सर? जो हमारे लोग जो भी है वो सबसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दो सहयोगी बने हैं, कुमार गौरव हमारे साथ बने हुए हैं, साथ में अमिताभ ओझा हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही रुख कर लेता हूं। हम देख रहे थे कि बीजेपी जैसे जैसे हमलावर हो रही थी, एक तो विधानसभा चुनाव जीता और दूसरा जिस तरह से इंडिया अलायंस की बैठक टाल दी गई थी, उसके बाद बीजेपी हमलावर थी, लेकिन आज एक के बाद एक बयान आए, नीतीश कुमार, राजीव शुक्ला, संजय राउत, हम सब एक हैं, एकजुट मिलकर एनडीए का सामना करेंगे। देखिए बिल्कुल, जाहिर तौर पे सवाल नीतीश कुमार को लेकर ही उठा था कि वो कुछ दिनों से पब्लिक में नहीं थे और उसके बाद इंडिया गठबंधन की बैठक रद्द हुई और उसके बाद अब नई तारीख आई है और इसके बाद तमाम यूपीए के जो माफ़ कीजिएगा इंडिया अलायंस के जो सहयोगी हैं और कांग्रेस के जो लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो सब साथ मिले हुए हैं। लेकिन इसी बीच देखिए कई राजनीतिक दलों में विपक्ष के कई राजनीतिक दलों की तरफ से जो बयान को देखेंगे आप, देखिए बिहार से सुशील कुमार पिंटू का बयान है, जेडीयू के सांसद है, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सब ठीक नहीं है, कांग्रेस के घमंड की वजह से ये टूट रहा है। बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री ने चुनाव के आखिरी दौर में ये बात कही थी कि कहाँ गया इंडिया गठबंधन, ये सब गायब हैं, उसके पीछे का लक्ष्य जो 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 वजह थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं कुमार रोक रहा हूँ। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूँ, क्योंकि अब इंडिया अलायंस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, क्योंकि अब सियासी फाइनल होने जा रहा है 2024 में। इंडिया अलायंस कितनी एकजुट है, इंडिया अलायंस के नेता किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, तमाम सवाल है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से, खासकर विधानसभा के नतीजे जब आए उसके बाद, इंडिया अलायंस की एकता सवालों में रही। आज लेकिन एक बार फिर एक अच्छे बयान आए, पॉजिटिव बयान आए, क्या माना जाए, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, राजनीतिक दलों का जो राजनीतिक व्यवहार होता है वो परिस्थितियां तय करती हैं
और आज की तारीख में कांग्रेस की करारी हार के बाद जो यूनाइटेड ऑपोजिशन का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था वो भी डिमोरलाइज्ड है। तो ऐसे में अपने आपस में जो खींचतान था उसे बीती ताही बिसारिये मान करके कोशिश ये जताने की जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हम तैयार हैं। आज बैठक होने जा रही है 6 बजे, और जितने भी नेता संसद में मौजूद थे जिनसे जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उनका ये कहना था कि हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो दरअसल बिजी थे, उनके पहले से कार्यक्रम लगे हुए थे, ये अचानक से मीटिंग कॉल हो गई थी और इस कारण से हम आएंगे, हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो बाद में आएंगे। एक तारीख भी फ्लोट कर दी गई है 17 दिसंबर की। लालू जी ने कल एक शादी समारोह में शिरकत करने गए थे, वहाँ उन्होंने ये तारीख भी तय कर दी है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में फिर से एक बार कुछ उसी तरह की एक बैठक आपको दिखाई पड़ेगी जो कि पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हुई थी, जिसमें शर्त यही है कि इंडिया गठबंधन की जब भी बैठक हो तो वो सभी शीर्ष नेताओं के साथ ही हो। यानी कि आज की बैठक को आप इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं कहेंगे, दरअसल ये फ्लोर लीडर्स की बैठक है और फ्लोर लीडर्स अमूमन मिलते ही रहते हैं। आज सुबह भी 10 बजे मिले थे और हमेशा संसद के सत्र के दौरान फ्लोर लीडर्स मिलते हैं, उन्हीं फ्लोर लीडर्स की बैठक आज शाम में होगी। लेकिन ये जताने की और संदेश देने की कोशिश कि यूनाइटेड ऑपोजिशन यूनाइटेड है और उसमें कोई मतभेद मध्य प्रदेश में या दूसरी जगहों पर विधानसभा चुनाव के कारण नहीं आया है। जी ठीक है, अमिताभ की तरफ रुक कर लेते हैं। अमिताभ, क्योंकि नीतीश को लेकर जब ये खबर आई कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार है, इसलिए बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार सामने आते हैं और पूरा स्पष्टीकरण देते हैं और साथ में ये मैसेज देने की कोशिश भी कर रहे हैं कि नहीं, इंडिया अलायंस के तमाम जो दल हैं वो एकजुट हैं और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक बार फिर नीतीश कुमार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं इस बहाने कि अब मैं लीड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए जो परिणाम आए थे हालिया चुनावों के, उसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खेमे में जरूर ये खुशी थी, क्योंकि जिस तरीके से इन्हें दरकिनार किया गया था और उसके बाद जब कांग्रेस को शिकस्त मिली और कांग्रेस को लेकर ये लगातार बोलते भी आ रहे थे कि वो तो सबको लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी पार्टी होने के चलते बड़ा दिल कांग्रेस नहीं दिखा रही है। और आज भी जो उन्होंने बताया है उसमें एक तरह से उन्होंने यही बात कहा कि वो तो चाह रहे थे कि सब लोग साथ में आए, लेकिन वो लोग चुनाव में बिजी हुए थे, इस वजह से इंडिया गठबंधन के जो काम था वो काम तेजी से नहीं हो पा रहा था और फिर से एक बार हम सबको एकजुट करेंगे और चलेंगे। हालांकि उनसे पूछा गया था कि लालसा उनके कि वो क्या पीएम के रेस में है, तो उन्होंने साफ कहा कि मुझे कोई किसी पद की लालसा नहीं है, किसी पद का नहीं, मैं यही चाहता हूं कि सारे जो विपक्ष के नेता हैं वो एक दो दल हैं वो एक साथ आ और एक साथ रह के मुकाबला करें। लेकिन इस बीच में उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर जरूर लिया था, उन्होंने कहा था कि वो पहले भी चाहते थे और आज भी चाहते हैं कि सब लोग और वो बैठक में जरूर हिस्सा लेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कल जब बैठक जो रद्द होने के पहले की बात अगर हम कहें तो उस वक्त तक नीतीश कुमार मीडिया के सामने नहीं आए थे, सिर्फ बैठक जब रद्द हुई उसके बाद कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे और उसके बाद आज जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह थे तो वहाँ माल्यार्पण करना पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने अपनी बात कही थी। तो ये बाहर नहीं गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें एक जो नाराजगी थी वो नाराजगी तो जरूर रही हुई, क्योंकि मुंबई की बैठक में भी के बाद से ही ये कुछ ना कुछ नाराज चल रहे थे और उस बैठक के बाद से ये नाराज इसलिए चल रहे थे कि एक जो बात थी कि इन्हें सहसंयोजक बनाया जाएगा या फिर कुछ आगे कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। 3 टीमें बनाई गई थी लेकिन अभी तक कोई कमेटी ने भी काम करना शुरू नहीं किया था। जो इंडिया गठबंधन के 3 कमेटी में की, एक कमेटी में राजीव रंजन ललन सिंह थे, एक में संजय झा थे और एक में आरजेडी के संजय यादव जो तो साफ तौर से अब कोशिशें एक बार फिर की जा रही है कि इंडिया अलायंस अपने काम पे लौटे, मजबूती दिखाए, एकता दिखाए, ताकि 2024 में एनडीए को जबरदस्त टक्कर दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।